Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now see question 28. Question is, solve the differential equation x dy by dx plus y x cos x plus sin x. Given that y is equal to 1 when x is equal to pi by 2. तो आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है सॉल्व करनी है. सबसे पहले लिख लेते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन x dy by dx plus y is equal to x cos x plus sin x. अब आप अगर इसे कम देखें तो ये क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसे आप क्या करा दें, डिवाइड इक्वेशन बाय x. x से डिवाइड करा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, dy by dx प्लस y इंटू में 1 by x इज इक्वल टू x cos x प्लस साइन x अपॉन में x ये आ जाएगा. नाउ कंपेयर विद dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q. तो यू गेट दिस इंप्लाइज p जो है यहाँ पे 1 by x है और q जो है वो है x cos x plus sin x अपॉन में x. तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिलेगा e p dx, यानी कि ये आ जाएगा e इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx. अब 1 by x dx क्या होता है, ये होता है log x. तो ये e log x यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको x यहाँ पर मिल गया. सो देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो आ जाएगा आपका y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx ये आपको होगा. तो यहाँ पर आ जाएगा yx, q जो है आपका था x cos x plus sin x अपॉन में x इंटू में x dx, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x था, x से x कैंसिल आउट हो गया. आप देख सकते हैं q आपका x cos x plus sin x था, तो आपको क्या मिलेगा, x cos x plus sin x. तो मैं इन्हें दोनों को अलग अलग कर लेता हूँ, ये sin x dx आ जाएगा. अब x cos x को आप यहाँ पर किस तरह से करेंगे, ये y x इज इक्वल टू x cos x के लिए आप क्या कर दीजिए, बाय पार्ट्स लगा देंगे. बाय पार्ट्स में आप क्या करेंगे, x को फर्स्ट फंक्शन, cos को सेकंड फंक्शन. तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, जब बाय पार्ट्स आप लगाएंगे तो बाय पार्ट्स लगाने के लिए यहाँ पे x एज इट इज, देन यहाँ पर cos x का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो sin x हो जाएगा माइनस, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, माइनस x की डिफरेंशिएशन 1 इंटू में cos x के इंटीग्रेशन sin x एज इट इज जो कि प्लस आ जाएगी dx एंड देन प्लस का sin x dx. अब आपको ये क्या मिल रहा है, x sin x माइनस इंटीग्रेशन sin x dx प्लस इंटीग्रेशन sin x dx. ये दोनों जो है टर्म्स नेग्लेक्ट हो जाएंगी, एक प्लस की एक माइनस की. तो आपको yx जो है x sin x आपको मिल रहा है, yx इज इक्वल टू x sin x प्लस c यहाँ पर आपको और कर देना है यहाँ, क्योंकि अब इंटीग्रेशन हट रही है. तो मैं यहाँ पर जो है सी की टर्म लेके आ जाता हूँ. अब आप देखिए व्हेन x जो था यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना था 1 व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2. तो यहाँ पर क्या था, y की जगह 1 रखेंगे, x की जगह पाई बाई 2 रखेंगे, पाई बाई 2 एंड देन साइन पाई बाई 2. साइन पाई बाई 2 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है. तो पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस c. तो दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू 0 आ रहा है. ये आप क्या कर दीजिए, फर्स्ट के अंदर पुट कर दीजिए. तो आपको क्या मिलेगा, yx प्लस yx इज इक्वल टू x sin x, yx इज इक्वल टू x sin x प्लस 0. यहाँ से आपको y इज इक्वल टू sin x जो है मिल जाएगा और यही आपका क्या था, सॉल्यूशन है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का.